कार्यकर्ता पहुंच नहीं रहे हैं, कार्यकर्ता को पहुंचाया जा रहा है, लोगों को पहुंचाया जा रहा है। उस समय ये कहाँ थे, उस समय इनकी ताकत कहाँ थी जब उनकी हत्या हो गई थी, उस समय ये ताकत कहाँ थी जब उनके हत्या पे कुछ नहीं बोला गया। के सम्मान हत्या करके सम्मान देते हैं, उनसे एक बार पूछिए कि क्या हत्या करके सम्मान दिया जाता है, जिनको आप सम्मान करें, जिनकी श्रद्धांजलि करके, क्या दोष था उस बच्चे का, क्या दोष था उस युवा का कि जिनको की हत्या कर दी गई। नीतीश जी की जो सरकार है, बस नीतीश जी को और कुछ नहीं दिखता है। नीतीश जी के सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार, युवाओं का हर दिन हत्या, पटना जैसे शहर में देखिए कि हर चौथे दिन हत्या हो रहा है, और पटना साहिब में अभी लगातार 4-5 हत्याएं हुई, दानापुर में हत्याएं हुई, इस पे पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसमें पुलिस लिपापोती पे लग रहा है। नीतीश जी जो है सोए हुए हैं, और सिर्फ उनको दारू दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। नमस्कार, आप देखें लाइव बिहार, मैं हूँ आपके साथ नीतीश सिंह। देख को बता दे, आरा में वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर तैयारी है, लेकिन पिछले दिनों जो कुछ हुआ था उससे हमने आपको अपडेट कराया था, उनके प्रपोत्र की हत्या हो गई थी और पुलिस कस्टडी में। बड़ा सवाल है, एक तरफ सम्मान की बात होती है और दूसरी तरफ उनके ही रिश्तेदार, उनके ही जो परिवार के लोग हैं, उनकी पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है, कैसे देखते हैं? बहुत दुर्भाग्य की बात है, और खासकर बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो पुलिस कस्टडी में उनके परपोत्र की हत्या हो जाती है, उसके बारे में तो लोग चुप थे, शांत बैठे हुए, तो उस समय बयान नहीं आया। और आज अगर आप जो है उनका जयंती मनाने के लिए आप उसी शहर में, उसी आरा में आ रहे हैं, और दुर्भाग्य की बात है, और हम लोग को सोचने की बात है, और बिहार के लोग भी लगे हुए हैं भीड़ इकट्ठा करने और इसमें लगे हुए हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है और बड़ा तकलीफ होता है ये देख करके कि जिनको आप श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं और उन्हीं के जो परिवार है, उनके परिवार की जो आगे की साख है उसको मिटा दिया गया। उस समय उन लोग बोलने वाला कोई नहीं था, और आज अपनी राजनीति आज तो पूरी ताकत दिखाने की चर्चा चल रही है। बिहार के सभी जिलों से जो कार्यकर्ता है भारी तादाद में वहाँ पहुँच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच नहीं रहे हैं, कार्यकर्ता को पहुंचाया जा रहा है, लोगों को पहुंचाया जा रहा है। उस समय ये कहाँ थे, उस समय इनकी ताकत कहाँ थी जब उनकी हत्या हो गई थी, उस समय ये ताकत कहाँ थी जब उनके हत्या पे कुछ नहीं बोला गया था। तो समाज जो है, जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि ये किस तरह की ताकत है और किस तरह की ताकत का इस्तेमाल। लेकिन लगातार एनडीए के नेता कहते हैं कि हम लोग जो शहीद वाले लोग हैं, जो देश की आजादी में सहयोग किए हैं, उन सबों का सम्मान देते हैं, लेकिन फिर इस तरीके का मामला क्यों? आप बताइए कि सम्मान हत्या करके सम्मान देते हैं, उनसे एक बार पूछिए कि क्या हत्या करके सम्मान दिया जाता है, जिनको आप सम्मान करें, जिनकी श्रद्धांजलि करके, क्या दोष था उस बच्चे का, क्या दोष था उस युवा का कि जिनको की हत्या कर दी गई और पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश है किसी चीज़ को खामोश करने का, और उनके उन्हीं पे राजनीति आप कर रहे हैं और उनके ही खानदान के चिराग को आप मिटा रहे हैं। तो पहले तो सवाल उनसे होनी चाहिए कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। पुलिस कस्टडी में लगातार मौतें हो रही है, पिछले दिनों भागलपुर में भी हुआ था, आड़ा में, मोतिहारी में, बक्सर में। नीतीश जी की जो सरकार है, बस नीतीश जी को और कुछ नहीं दिखता है। नीतीश जी के सरकार में बच्चियों के साथ बलात्कार, युवाओं का हर दिन हत्या, पटना जैसे शहर में देखिए कि हर चौथे दिन हत्या हो रहा है, और पटना साहिब में अभी लगातार 4-5 हत्याएं हुई, दानापुर में हत्याएं हुई, इस पे पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसमें पुलिस लिपापोती पे लग रहा है। नीतीश जी जो है सोए हुए हैं, और सिर्फ उनको दारू दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। लेकिन फिर भी तो शराबबंदी जितनी बात होती है वो तो जमीन पे उतर नहीं पा रही है, जमीन पर उतर नहीं पा रही है। इससे आप देखेंगे कि आप बाहर में जाएंगे, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, तो जितने जो पेशेंट हैं बिहार के पेशेंट हैं, और वो सिर्फ नकली दारू की वजह से वो बीमार हो रहे हैं, और घर की स्थिति भी खराब हो रही है, क्योंकि दारू तो रुक नहीं रहा है। जो दारू 500 में मिल रहा था, आज 2500 में मिल रहा है, तो घर की स्थिति तो और भी खराब है। महिलाएं तो नाराज जरूर हैं, क्योंकि जिनके जो पति थे जो दारू पी रहे थे, वो 500 का जहां इस्तेमाल हो रहा था, आज 2500 का हो रहा है, आज होम डिलीवरी हो रहा है। माफिया जागरूक हो चुका है, पुलिस शराब बेचने में लगी हुई है। नीतीश कुमार जी सिर्फ शराबबंदी का, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काफी काम किए हैं। उनको बोलने से क्या होगा? एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी महिलाओं को साइकिल तो दी है, लेकिन बताएं नीतीश कुमार जी कि कितने बिहार के अंदर में महिला के लिए कॉलेजेस खुलवा दिया गया, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवा दिया गया, कितने मेडिकल कॉलेज खुलवा दिया गया। आप साइकिल दे दिया, बताइए कि जो बेटियां हैं वो किस कॉलेज में जाएंगी पढ़ने के लिए, कितने महिला कॉलेज खुलाया गया। नीतीश कुमार जी से ये बात करनी चाहिए। और ये सेशन में तो देरी की भी बात चलती है ना, 2-3 साल का ग्रेजुएशन 5-6 साल हो जा रहा है। बिल्कुल, जो बच्चे जो है यहाँ से पढ़ करके बाहर जाना चाहते हैं, बाहर कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ वहाँ एडमिशन का प्रक्रिया खत्म हो जाता है, वहाँ क्लासेस शुरू हो जाता है, यहाँ रिजल्ट नहीं आता। आखिरी सवाल है हमारा, महंगाई की मार, पेट्रोल 116-117, सरसों के तेल भी 100 के पार, ये कब तक चलेगा? बोलिए कब तक चलेगा ये सरकार? यहाँ पे हर लोग
शोषित हो रहे हैं, या तो गरीब है, अमीर है, अग्री है, पिछड़ी है, और यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुसलमान करके बांटा जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी और तरफ इस पे बात कोई ना कर पाए, इसके लिए कहीं और बात को लिया जा रहा है। वो मुझे लगता है कि अब जो है बिहार की जो जनता है उसको जागरूक होना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार किस तरह से बिहार को नीचे की ओर ले जा रहा है। देखिए, डबल इंजन की सरकार को लेकर इन्होंने निशाना साध दिया है और ये भी कहा है कि आरा में वीर कुंवर सिंह के प्रपोत्र की जिस तरीके से हत्या हुई है उसको लेकर भी इन्होंने बात कही कि श्रद्धांजलि देने की जो बात होती है वो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर नहीं हो पाती है, बात सिर्फ जो है वो बातों में रह जाती है। और जमीनी हकीकत पर यदि कस्टडी में मौत होती तो पुलिस वालों को फांसी की सजा देनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।